हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो भाई यहाँ पे सुबह के बज चुके हैं ना और मैं हो चुका हूँ ऑफिस के लिए बिल्कुल रेडी। तो मैंने सोचा आज आपके साथ सुबह सुबह का अपना जो मतलब पूरे दिन का रूटीन है वो शेयर किया जाए। तो भाई बाहर का मौसम कुछ ऐसा है, बिल्कुल अपने बढ़िया धूप निकली हुई है और पूरा मौसम साफ है। देखो पॉल्यूशन नहीं है ना, कितनी दूर तक दिखाई दे रहा है। बिल्कुल पूरी ग्रीनरी है यहाँ पे, पिछले साल पूरा ओपन व्यू है पूरी दूर दूर तक, बिल्कुल बढ़िया। और यहाँ पे अपने प्लांट्स बहुत अच्छे से मुस्कुरा रहे हैं, बिल्कुल सारे हैप्पी हैप्पी हैं। यहाँ पे विमली प्लांट्स के पत्ते थोड़े पीले पीले हो जाते हैं, आप बताना इनका क्या इलाज है? ये बाहर रखने से हो जाते हैं या मतलब ज़्यादा पानी देने से कुछ ऐसा? तो हाँ जी, आज आपकी सुबह कैसी रही? आज मेरी सुबह ज़्यादा अच्छी नहीं रही। आज ना मेरे को जल्दी उठना था और मैं अलार्म लगाना भूल गई। तो एक बार माइंड सेट हो जाता है ना कि सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना है और उठ नहीं पाते तो वो ना रिग्रेट रहता है माइंड में। तो आज सब कुछ ऐसे ही थोड़ा उल्टा पुल्टा हो रहा है। तो भाई मैं अभी निकल जाऊंगा ऑफिस के लिए और ये करेगी अपने दिन का रूटीन शेयर आज आपके साथ। तो आप करोगे ना अच्छे से? यस। मतलब आप अपना डे जो है वो कैसे मैनेज करते हो तो वो आपके साथ आज ये शेयर करेगी। तो भाई अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। तो भाई अभी यहाँ पे तनु ने लगा दी यहाँ पे सीट और मेरा आ गया यहाँ पे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आज है एप्पल, दो डेट्स एंड ओट्स। कुछ और लेकर आऊं? ना, हो गया यहाँ पे। भाई मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है बिल्कुल कंप्लीट। पतला हो गया ना? कितनी बार ये सवाल होता है मेरे दिन में? बिल्कुल मतलब ये शर्ट मेरे पहले नहीं आती थी, अब बिल्कुल सही आने लग गई। तब तक तो हमने बनाया भी नहीं जब स्टार्टिंग में आप मोटे हो रखे थे। आप बताना तो मैं बता रही हूँ ना, मैंने देख लगता है बहुत पतला हो गया। हो गए हो? चलो अब जल्दी जल्दी ऑफिस जाओ। बाय। ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है। आज रूटीन पूरा खराब हो गया ना, सुबह लेट उठे ना, पता नहीं अलग प्लानिंग थी कुछ और प्लानिंग के हिसाब से काम नहीं होता। ऐसे जाना तो पड़ेगा, काम करना तो जरूरी है। सो गाइस, मैंने क्लीनिंग, डस्टिंग और घर का बाकी सारा जो काम था वो कंप्लीट कर लिया है। और काम करते करते और नहाना वगैरह, फ्रेशन अप हुई हूँ तो मेरे को ऑलमोस्ट 12 से ज्यादा हो गए हैं। तो लंच का टाइम हो गया क्योंकि आज मैंने मॉर्निंग में लेट उठी हूँ तो मैं लंच नहीं दे पाई परवेश को। तो या अभी वो लंच करने घर पर आ रहे हैं तो मैं उनके लिए लंच बनाऊंगी। और बस देखते रहे, आप व्लॉग को एंजॉय करते रहे। मैं बैठ जाऊं उसके ऊपर? अरे अरे अरे, मेरे को बैठ नहीं देना प्लीज। क्या हुआ? अच्छे तो सो गया लगता है। चलो जाके देखते हैं सोया है कि नहीं। चलो भाई। और ये घर में एंटर होते ही और चेयर के ऊपर आके ऐसे रिलैक्स करता है पूरा। सो लंच इज रेडी और पसीना देखो, नहाने का कोई फायदा नहीं हुआ मुझे लग रहा है, एक बार और नहाना पड़ेगा। और लंच में मैंने बनाया है, यहाँ पर बनाई है रोटी और यहाँ पे बनाई है दाल और राइस। सो परवेश आएंगे और उसके बाद हम दोनों साथ में लंच करेंगे। और आप लोगों को याद होगा इन्होंने मुझे शूज गिफ्ट किए थे एनिवर्सरी के लिए, सो उनका साइज मुझे प्रॉपर नहीं आया तो उसको भी हम लोग चेंज करने जाएंगे थोड़ी देर बाद। तो यार देखते हैं क्या पसंद आता है, मैं वही पेयर लेके आती हूँ या फिर अगर उसमें साइज नहीं है अवेलेबल हुआ तो मुझे कुछ और बाय करना पड़ेगा। बट वो बहुत प्यारा है सो होपफुली मुझे साइज अवेलेबल हो जाए तो अच्छा रहेगा। कौन है ये? सारा दिन ब्लॉगिंग करते हैं सारा दिन ब्लॉगिंग करती हूँ, हफ्ते में 2 दिन डलता है ब्लॉग। भाई आ गया मैं ऑफिस से खाना खाने। लंच बनाया नहीं मैंने? अच्छा नहीं बनाया ये। क्या अच्छा नहीं बनाया? मतलब अच्छा नहीं बनाया, बना तो रखा है। वो कहते हैं ना किसी बात पे कि अच्छा नहीं बनाया
अच्छा नहीं बना, अच्छा बना, अच्छी खुशबू आ रही है। चलो फिर फटाफट चेंज कर लो आप, है ना। फटाफट चेंज करके मिलता हूँ। ओके, तो भाई यहाँ पे मैं चेंज वेंज करके अपना आ चुका हूँ। तो यहाँ पे लंच तो वैसे तो रेडी है, लेकिन कभी कभी मौका मिलता है, या तो छुट्टी वाले दिन, या जैसे आज मैं किसी रीजन से सुबह लंच नहीं लेके गया तो जल्दी आ गया। तो भाई आज कुछ स्पेशल बना लेते हैं अपनी मनपसंद चटनी। तो भाई मैं अभी चटनी बना रहा हूँ। वैसे तो ऑफिस में जाते हैं तो जो ही जो घर से मिलता है वही खाते हैं, ठंडा गर्म जैसा भी होता है, क्योंकि काम में इतने बिजी रहते हैं तो नहीं पता चलता। तो चलो बोर ना करते हुए मैं अभी अपनी बना रहा हूँ चटनी, और आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करता हूँ कि मैं चटनी कैसे बनाता हूँ, बेस्ट वाली लाल मिर्च की चटनी। तो यहाँ पे भी अपनी छोटी सी कुंडी है ये, ठीक है। और यहाँ पे मैं अभी छील रहा हूँ लहसुन, पांच छह लहसुन अपने हिसाब से जो जिसको, क्योंकि मेरे को लहसुन अच्छे लगते हैं तो मैं ज्यादा डाल लेता हूँ। तो अभी मैं लहसुन छील लेता हूँ जल्दी से। तो अपने भी ये लहसुन रेडी हो चुके हैं, अब इनको डालते हैं इसमें। और मेरे पास वो सूखी मिर्च नहीं है, तो मतलब किसी के घर में सूखी मिर्च होगी भिगो के भी बनाए तो और मस्त बनती है। मेरे पास तो ये है चिली फ्लेक्स तो ये अभी ये डाल रहा हूँ मैं, तो इसको मैं ये यूज करता हूँ। मतलब जल्दी, थोड़ी सी कुटी हुई है तो जल्दी कुट जाती है। तो इसको डालते हैं, ये तो निकल ही ना रही, समय से खोल के डाल लेते हैं इसमें इतनी सारी। तो दो तीन टाइम खाऊंगा ना। तो भाई नमक अपने स्वाद अनुसार डाल लें, अभी तो हमें से तो कभी इतना आइडिया था नहीं, मैं तो एक आइडिया लेके डाल देता हूँ अपना। तो अभी इसको थोड़ा सा कूटा छेती करते हैं इसकी। वैसे चटनी घर में मोस्टली परवेशी बनाते हैं, क्योंकि मुझे अच्छे से बनानी नहीं आती ज्यादातर, या फिर मैं ग्राइंड करके बनाती हूँ, तो मुझे इसमें बनाना अच्छा लगता है। मतलब हमारे साइड चटनी बहुत पहले से बहुत ज्यादा खाते हैं ना, चटनी में बहुत लाइक करते हैं काचरी की चटनी। अरे हॉस्टल में वगैरह में रह के आदत नहीं रही मेरे को ना। मैंने तो खूब बनाई, मैंने तो पहले जैसे दिन में कभी मन कर जाता था तो मैं तो अपने आप बना के खा लेता था चटनी। तो अभी भी आप बनाते हैं कभी जैसे परेशान? आपको करता हूँ मैं परेशान? थोड़ा सा पानी डालो, पानी लस्सी दही भी डाल सकते हो, तो मैं पानी डालता हूँ। तो इसमें पानी डाल दिया। सेम बातें बोल रहे हो, रोहित भैया ने बनाई है, वो भी पानी डाल के बना रहे थे ना। सारे सेम बनाते हो क्या चटनियाँ? सेम स्टाइल। तो इतने कब डाल दी? वीडियो डाली क्या? आज डाली है या कल? में भी मैं देख नहीं पाया, मैं देखूंगा। वो भी ऐसे ही बोल रहे थे पानी डाल रहा हूँ। तो पानी हरियाणा वाले पानी डालते हैं। पानी से सही हो जाती है वो। अच्छा। क्योंकि मैं उसमें वो घी डाल के वो करूंगा ना, उसको चमकूंगा, गरम करूंगा, तड़का लगाओगे इसको। हाँ मतलब गरम कुछ तो, मेरे को थोड़ा सा कोल्ड अभी तक ठीक नहीं हुआ, तो उसमें भी बढ़िया रहेगी, कोल्ड के लिए बढ़िया रहती है भाई। आप भी अपने घर में बना के खा सकते हैं इसको। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? भाई ऑलमोस्ट तो अपनी चटनी रेडी हो चुकी है बढ़िया सी। अगर इसको और स्वाद बनाना हो मतलब बढ़िया से, तो इसमें तड़का लगा सकते हो आप घी का, तो मतलब जैसे कोल्ड वगैरह हो तो उसमें सही रहती है। Okay. इसमें देसी घी डाल के अपना बढ़िया सा गरम करना है। हाँ, और इसे गरम करना है बिल्कुल, मतलब Okay. तड़कड़ाना है बढ़िया तरीके से, तड़कड़ाना बोलते हैं। बढ़िया जा जाएगी फिर रेडी। हाँ, इसको घुमा दो ऐसे इसमें, और गैस को बिल्कुल लो कर दो, फिर नीचे लगे ना उसके, और हल्की हल्की आग में रोटी गर्म कर दो। रोटी गर्म कर दो। तो यहाँ पे भाई लंच रेडी है, और चटनी की खुशबू तो अलग ही आ रही है, बिल्कुल बेहतरीन। बाकी चीजें भी, दाल है, चावल है, बहुत बढ़िया बने हैं। तो हम अभी अपना खाना एंजॉय करते हैं दोनों साथ में, तो फिर मिलते हैं। तो यहाँ पे भैया अब लंच वगैरह कर लिया अपना, अब हम आराम से अपना रेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे मैडम जी फुल ऐश फरमा रही है देखो। तो अभी मार्केट नहीं चलना क्या? तो भाई मैं कह रहा था ना, इसके साइज
नहीं आएगा सर, साइज का आइडिया था लेकिन वो साइज भी नहीं आया, पैर बड़ा हो गया इसका लगता है। अब पहले तो बड़े नहीं, अब बढ़ेंगे इसके पैर। तो अभी भाई हम मार्केट जाएंगे, इसको शूज देखते हैं, अगर ये साइज मैंने पूछा तो था, मिला नहीं उसके पास, अगर क्या बता आ गया हो। चलो जाके देखते हैं भाई, अभी थोड़ी देर आराम करके फिर निकलेंगे, आपको भी साथ लेके चलेंगे, मैं दिखाऊंगा इसके नखरे। और भाई उस दिन इसने ना ज्यादा एक्साइटमेंट में मेरा फोन नंबर ही दिखा दिया वीडियो में, उसके बाद क्या फोन आए मेरे पास, कम से कम 10-11 फोन आए होंगे, कुछ मैंने उठाए भी नहीं। एक लड़की तो बड़ी प्यारी थी, उसने फोन 3 बार कह रही आप चाहे गुस्सा करो मैं फोन करूंगी। कितना मुझे बात करा दो, इतना अच्छा लगा ना, मतलब इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी, इतनी अच्छी फीलिंग थी ना, वो वर्ल्ड बेस्ट फीलिंग थी, मतलब शेयर एक्सप्लेन वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं हो सकती वो फीलिंग, इतना अच्छा लग रहा था। तो वो लोग, उनका नाम ले दो, क्या नाम था उनका? जयंती जी थी फ्रॉम केरला, तो उनसे मैंने बात की। उनके लिए कुछ कहना चाहोगे आप? उन्होंने इनवाइट किया है हम लोगों को केरला आने के लिए, तो भाई हम सोच रहे हैं जाने की, जरूर आएंगे। केरला तो हमारा पहले से बहुत प्लान चल रहा है, मुनार वगैरह शायद केरला में ही तो है, मुनार हाँ, तो मुनार जाने बहुत अच्छी जगह है। तो जयंती जी हम जरूर आएंगे, आपके हाथ का खाना भी खा के जाएंगे। आप भाई यहाँ पे देखो कबूतर आ गया, तो यहाँ पे भाई बहुत सारी ग्रीनरी है ना बिल्कुल, तो वैसे शहरों में ये पक्षी वगैरह देखने को, चिड़िया वगैरह कबूतर वगैरह देखने को कम ही मिलते हैं, लेकिन यहाँ देखो वहाँ पे भी काफी चिड़िया उड़ रही हैं। और वैसे भी आज भाई वर्ल्ड एनिमल डे है, तो मैंने तो अभी आज सुबह सुबह पानी यहाँ रख दिया था डाल के, तभी यहाँ पे बैठे हैं, कबूतर बीट वगैरह भी खूब कर रखी है आज। तो अपना भाई आप भी अपने आसपास गार्डन वगैरह या अपनी बालकनी में पानी वगैरह रख दे, जैसे ये भी इनको भी भूख प्यास लगती है, तो भाई अच्छा ही है, तो क्या बता को आके पी जाए। सो गाइज अभी शाम का टाइम हो रखा है, चाय वगैरह हमने पी ली है और अब हम मेरे शूज एक्सचेंज करवाने जा रहे हैं, परवेश रेडी हो रहे हैं, चलो आपको लेके चलती हूँ उनके पास। वे आर यू? कहाँ कहाँ को? बस सारा दिन कपड़े चेंज करवा लो, मतलब धोने वाली तो मिली हुई है ना फ्री की 24 घंटे, दिन में 10 बार कपड़े बदलते हो। और यार ये पतियों का क्या चक्कर होता है, मतलब कबड़ खोली वो खुली छोड़ दी, सॉक्स कहीं कपड़े कहीं, बस यही करता रहे। एज ऑलवेज चलो चले यार। तो भाई अभी हम जा रहे हैं, मेरे को जमीन रेडी कर लेती है बुला चपड़ा के। आप साइज सही नहीं लेके आए ना, साइज को जान बुझ गया बुला के, और दो चीज होता है कि देखना मैं बहुत तेज हूँ, दो चीज ले आएगी। चलो ठीक है भाई, चलो चलते हैं अभी। ये क्या हुआ भाई, उस शूज में वो साइज ही नहीं है, उसका पेयर नहीं है, मैंने पहले बोला भाई उस जूते का साइज वाला पेयर नहीं है, तो अब कोई दूसरा देखेगी। यहाँ पे जूते चेंज करने के लिए मना कर दिया, ये मजाक था भैया, अभी चेंज करके दे रहे हैं जूते। अरे ऐसे कह रही है और कुछ दिखा दो, जैसे कि मैंने कहा था ये बुढ़ा चपड़ा के लेके जा रही है, और कुछ दिखा दो भैया दिखा दो। फाइनली भाई इतनी मेहनत करवाने के बाद यहाँ मैडम जी को ये जूता पसंद आया, आ तो गया पसंद, ये क्या छोटी बात है। हाँ जी हो गया फाइनल, कंफर्टेबल है तो भाई यहाँ पे फाइनल हो गया है, चलो जल्दी हो गया थोड़ा। तो हाँ जी फाइनली आपका हो गया, मतलब एक्सचेंज, या मतलब जो जो पसंद था वो हो गया एक्सचेंज, बट वो वाला शूज नहीं मिला, साइज अवेलेबल नहीं था। चलो कोई ना, अब रोना मत आप, ठीक है कोई ना, कोई चलो भाई। तो अब अभी ये ब्लॉग बहुत ज्यादा ऑलरेडी लंबा हो गया और अभी हमें किसी काम से जाना है, तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया डू सब्सक्राइब, और कमेंट्स में प्लीज कमेंट करना अच्छे, क्योंकि ना मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा फील होता है, बहुत मोटिवेटेड फील होता है। सो डू मोर एंड मोर कमेंट्स। बाय बाय।